नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर करणी सेना के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राज शेखावत को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया है, बल्कि उनकी पगड़ी उछाल दी गई है। और इसके बाद उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि पगड़ी उनकी नहीं बल्कि क्षत्रिय समाज की उछाली गई है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में क्षत्रियों के साथ भी मुसलमानों के जैसा व्यवहार होगा? क्या पुरुषोत्तम रूपाला की जो भाषा है वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है? क्या पुरुषोत्तम रूपाला की जो भाषा है उस भाषा पर जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत की सहमति है? और क्या पुरुषोत्तम रूपाला की जो भाषा है उस भाषा के पक्ष में गुजरात की पुलिस, गुजरात की सत्ता की पिट्ठू बनकर खड़ी हो गई है? उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक क्षत्रिय समाज के ऊपर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, उस गतिविधियों को यदि मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की परिस्थितियों को देखें, तो दो बातें साफ होती है। पहली, क्षत्रिय समाज क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ अब उसी तरह जुड़ा रहेगा जैसे पहले जुड़ा रहा था? और क्या मौजूदा दौर में क्षत्रिय समाज की गति यही है कि जो क्षत्रिय समाज एक जमाने में लठैत पालता पालने का काम करता था, वो आज नरेंद्र मोदी का लठैत खुद को बन जाए और अपने समाज के नेता की पगड़ी उछलवाता रहे नरेंद्र मोदी की पुलिस से, नरेंद्र मोदी की पार्टी की राज्य सरकार की पुलिस से? इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने किसान नेता और क्षत्रिय समाज से आने वाले प्रबल प्रताप शाही जी, और साथ ही क्षत्रिय समाज के नेता महेंद्र सिंह तरातरा जी। हम चाहते हैं कि इन दोनों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए उस फुटेज को दिखाया जाए जिसमें डॉक्टर राज शेखावत, करणी सेना के नेता की पगड़ी उछाली गई है। महेंद्र जी और प्रबल जी, आप लोग इस फुटेज को देखिए, हमारे दर्शक भी देखिए। एक और फुटेज है, जी महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। उमा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व नौकर शाह हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, भारतीय वन सेवा के बहुत ही कर्मठ अधिकारी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले महेंद्र सिंह तरातरा जी के पास मैं आ रहा हूँ। महेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, राज शेखावत ने ट्वीट किया है कि पगड़ी क्षत्रिय समाज की उछाली गई है, क्या मौजूदा दौर में सत्ता की जूती, सत्ता के अट्ठास की जूती के नीचे क्षत्रिय समाज को रखने की कोशिश हो रही है? क्या सत्ता इस कदर सत्ता अब निरंकुश होती जा रही है, जिसमें एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का एक मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला किसी समाज के विरोध में इस तरह की बातें बोले, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज, बधुआ मजदूर की तरह वोट करे? क्या है परिस्थितियां? नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ। पहले तो आप मुझे क्षत्रिय समाज का नेता बता रहे हैं, तो मैं नेता तो हूँ नहीं, मैं श्री क्षत्रिय संघ का एक स्वयंसेवक हूँ सामान्य। और रही बात उनकी पगड़ी उछालने की, और ये तो लोकतांत्रिक तरीके में सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और अगर किसी ने पुरुषोत्तम रूपाला ने जो शब्द कहे वो किसी भी रूप से सहनीय नहीं है, ये सभी समझ रहे हैं। गुजरात पूरा उबल रहा है और उसको लेकर सारे राजस्थान और सारे उत्तर प्रदेश में भी वैसी वैसी आग है, सभी लोगों में नाराजगी है। इस प्रकार से आप टिप्पणियां करेंगे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, तो लोगों में नाराजगी स्वाभाविक है। और उसको लेकर अगर वो गुजरात जाना चाह रहे हैं या विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो उसको लेकर उनको गिरफ्तार किया जाना, उनकी पगड़ी उछाल जाना, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है। और इसको लेकर सारे राजपूत समाज में नहीं, सभी छत्तीस कौम नाराज होती है। आप किसी के मान सम्मान को इस प्रकार से ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारे इतिहास को लेकर राजपूत बड़ा संवेदनशील है, और उसको लेकर इस प्रकार की जो गलत टिप्पणियां की जाएंगी तो नाराजगी स्वाभाविक है, और हमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। और भी आक्रोश के बहुत सारे कारण है, ये तो तात्कालिक कारण आप इसको मान लीजिए, बाकी पिछले 5 सालों से राजपूत समाज का जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उसको लेकर राजपूत समाज बहुत ही आक्रोशित है। मैं प्रबल प्रताप जी आपके पास आ रहा हूँ, आपने वो पूरी फुटेज देखी है, और उस पूरी फुटेज को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार से जो समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा खड़ा था, जिसने नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई, उस समाज के नेता की पगड़ी उछाली जा रही है, क्या लग रहा है आपको? एक राहत इंदौरी का शेर है, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। लगे राहत इंदौरी का शेर है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूंगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। ये कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान कह रहे थे
यही नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को आतंकवादी माओवादी और क्या क्या कहती थी। जब वो महिला पहलवान आई तो जाटों को कितना अपमानजनक कहा। तो ये जो साथी आज गए हैं क्षत्रिय समाज के, जो अपने आप को प्रमुख व्यक्ति बांधते हैं, जो गए हैं, आज इनकी पगड़ी उठाई। तो ये आप समझ लीजिए कि जब तक आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहोगे तो हिंदू रहोगे। जिस दिन आपने अपनी मांग उठाई और विरोध किया, प्रदर्शन किया, जिस दिन अपनी मांगे मनवाने के लिए आप सड़कों पे उतरे, उसी दिन आप समझ लीजिए उनके लिए आप जाट हो जाओगे, आप ठाकुर हो जाओगे, आप सिख हो जाओगे, आप पाकिस्तानी हो जाओगे, नक्सली हो जाओगे, खालिस्तानी हो जाओगे, माओवादी हो जाओगे, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट हो जाओगे जी। तो मुझे लगता है कि इससे क्षत्रिय समाज को सबक लेना चाहिए। और मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं जब किसान आंदोलन में लगातार बोलता था तो ये हाँ मैं देखकर दुखी होता था कि किसानी से संबंधित हमारे कुछ साथी नरेंद्र मोदी के लखैद बनकर घूम रहे। आज देखो कि नरेंद्र मोदी ने क्या व्यवहार किया है आपके साथ। और क्षत्रिय तो भगवान बुद्ध थे, क्षत्रिय तो महावीर जैन थे, क्षत्रिय जो वीपी सिंह थे, क्षत्रिय जो थे वो चंद्रशेखर जी थे। औकात होती नरेंद्र मोदी की अपने माला से निकालने की, मंच से हटाने की, इन लोगों को, वीपी सिंह और चंद्रशेखर को औकात में ला देते नरेंद्र मोदी को, लेकिन राजनाथ सिंह को उनकी माला से ही बाहर कर दिया, योगी आदित्यनाथ को का तस्वीर मंच से हटा दिया और नमस्ते भी नहीं लेता। ये अहंकार से परिपूर्ण है। और अभी भी जो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति अगर क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, क्षत्रिय तो समाज का नेतृत्व करने के लिए हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है। राम जी को याद करो, राम जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पांडवों को देखो, उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं कह रहा था कि क्षत्रिय समाज के लोग एक चीज को समझें कि अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान अब बचा हो तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लो। और क्षत्रिय समाज तो सामाजिक न्याय का वाहक रहा है, ध्वजावाहक रहा है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अर्जुन सिंह जी हो। यह लोग तो सामाजिक न्याय की बात करते, ये कब से पोंगा पंडिती में फंस गए, कब से ये संघियों और भारतीय जनता पार्टी के लखायत बन गए, यह मुझे देखकर बड़ा दुख होता है। अपनी नस्लों को खत्म करने की कोशिश की गई, तो अभी भी जो क्षत्रिय हो, अपनी मांग जब उठाओगे तो समझ लो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा जो उन्होंने किसानों के साथ किया, जो जाटों के साथ किया। कभी किसानों को गाली देने का काम किया, जाटों को गाली देने का काम किया, और आज आपको गाली देने का काम कर रहे हैं। तो सम्मान यही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंको, इस अताताई सरकार को जो अन्याय पर परिपूर्ण है, जो किसानों की हत्यारी है, जो लाखों महिलाओं को विधवा कर दिया कोरोना काल में, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दिया, लाखों बच्चे हिंदुस्तान के अंदर अनाथ हो गए। चलो दे रहा है, दुरुस्त है। मुझे तो जब मैं किसान आंदोलन में रहता था तो इसी हमारे ही समाज के लोग हमको गाली देते थे, हमारा उपहास उड़ाते थे। प्रबल जी आपके पास बहुत सवाल, आप लोगों को आज समझ में आए, आज समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात है। असामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ो, अग्रदूत बनो। प्रबल जी मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। उमा शंकर जी के पास मैं चल रहा हूँ। उमा शंकर जी एक मेधावी छात्र हैं अपने समय में, और बहुत ही कर्मठ पर्यावरण को लेकर जो काम इन्होंने किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, भारतीय वन सेवा में रहते हुए, नौकरशाही का हिस्सा रहते हुए, वो काबिले तारीफ है। उमा शंकर जी, जो सवाल उठे हैं और जिस तरह से राज शेखावत ने कहा है कि पगड़ी उनकी नहीं बल्कि वो चूंकि एक संगठन के नेता के तौर पर गए थे, अतः क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछाली गई है और उन्हें हिरासत में लिया गया है, इस पूरी घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं गुजरात के अंदर या पूरे देश के अंदर चुनावी वर्ष में? अभिषेक जी, अभिषेक जी सादर नमस्कार।
और सभी मेरे पैनल के जो गेस्ट हैं उनको सादर नमस्कार। चित्रांशी जी आपको भी, आपसे बात हुई थी। देखिए सर ऐसा है, मैं आपको एक दो बात बताऊं आज। एक अगर इजाजत है अभिषेक जी तो एक शेर मैं भी बोल दूं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जी सर ये शर्म की बात है पूरे समुदाय के लिए, पूरे शर्म की बात है पूरे समुदाय के लिए कि पगड़ी उछाला गया। पगड़ी के लिए सर जान दे दी जाती है और जान ले ली जाती है। भारतीय समाज और संस्कृति, सर हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, भगवान राम के वंशज हैं सर। अगर आप देखेंगे तो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाला हर एक व्यक्ति क्षत्रिय है। तो नरेंद्र मोदी का लठैत कैसे बन गए? वही दुर्भाग्य है। आज मैं तो कहता हूं कि हम लोगों में से बहुत सारे क्षत्रिय उनके वो वैश्य के गुण में आ गए हैं, वो अपने व्यापार को देख रहे हैं, व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। वो जिस दिन वो कन्याओं के खिलाफ ब्रजभूषण सिंह जी का आंदोलन आया था, हमने कहा था कि अगर वो क्षत्रिय हैं तो माफी मांगे उन महिलाओं से और अपने राजनीति से संन्यास ले ले। महिला का अपमान पूरे समाज का अपमान होता है। हम लोग लठैत बने हुए थे और आज भी देखिए क्षत्रियों का, आप कोई सच मानिए तो आज की तारीख में कोई भी ना कोई नेता रह गया है। अगर आप राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो राजनाथ सिंह जी को मैं क्षत्रिय मानता नहीं। सही बात यह है कि मैं अपने 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 नौकरी के समय उनके बारे में यही कहा जाता था वो किसी के नहीं। वो अगर आप सही काम करेंगे और अगर आप पे कोई आक्षेप आ गया तब भी आपके नहीं है, अगर आप उनके लिए काम करेंगे तब भी वो आपके लिए नहीं है। आप देखिए जो अपमान उनका हो रहा है लखनऊ में, एक चित्रांशी जी जानते हैं, शायद आप लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था लखनऊ में, एक सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री जी आए, उसमें राजनाथ सिंह जी को नहीं बुलाया गया। थी हिम्मत की अगर चंद्रशेखर के साथ ऐसा कोई करके देख लेता। एक घटना सुना दूं आपको, चंद्रशेखर जी गए थे उड़ीसा, बहुत बाढ़ आया हुआ था और लालू जी ने टीवी पे बाइट दे दिया और कह दिया कि मैं चंद्रशेखर जी इस 59 सांसद वाले को मैं प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। चंद्रशेखर जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप ही का मुख्यमंत्री जो लालू यादव है आपको प्रधानमंत्री नहीं मानते। चंद्रशेखर जी ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं मानते तो शाम तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और शाम को उनके घर पहुंच गए, वो क्षमा याचना कर रहे थे। सर किसको क्षत्रिय कहेंगे आज? कौन क्षत्रिय है यहाँ पे? वो क्षत्रिय जो जाकर भिक्षाम देही भीख मांगने वाले स्टेज पे सभी आ गए। अगर आप में महाराणा प्रताप का खून है, अगर आप में वो उबाल आता है, आप में गुस्सा है, आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो उठाते ना। मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई कि हाथरस वाले मामले पे राजनाथ सिंह चुप रहे, आप उनको क्षत्रिय कहेंगे क्या? लेकिन हाँ, अपने लड़के को MLA बनाने के लिए, उनको मंत्री बनाने के लिए सभी लोग अपना खेल कर रहे हैं सर। इसमें कहीं पर भी नहीं कोई क्षत्रियत्व का गुण नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और आप देख लीजिए, सही बात यह है कि यूपी में एक चल रहा है कि बाबा के खिलाफ कि योगी आदित्यनाथ को देर सवेर हटाया जाना है। एक सही बात मानकर चलिए। और ये भी लगे हुए हैं कि हर मीटिंग में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, वो जानते हैं अंदर से कि प्रधानमंत्री जी इनको हटाने वाले। अरे सर, जो विरोध की राजनीति करता है वो निखरता है। भीड़ के आप धारा के खिलाफ जाएंगे तो आप निखरेंगे सर। बड़ी स्थिति है। और सही बात, आज के मुद्दे पर हम आते हैं। पगड़ी उछाली जाने कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं, चाहे चित्रांशी जी का पगड़ी हो, चाहे अभिषेक जी की पगड़ी हो, चाहे मेरी पगड़ी। पगड़ी में उस आदमी का स्वाभिमान, उस आदमी का आत्मसम्मान, उस आदमी की इज्जत होती है। और
गुजरात के वो जो उन्होंने कहा था ना कि क्षत्रिय वीर नहीं होते, क्षत्रियों का तो अपना इतिहास है अभिषेक भाई, आप जानते हैं क्षत्रियों का तो अपना इतिहास है, घास की रोटी खाकर वो लड़ते रहे, चाहते तो समझौता कर लेते, पेट में दर्द था फिर भी महाराणा प्रताप ने उनके खिलाफ। ठीक है उमाशंकर जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, आशीष चित्रांशी जी जुड़े हैं जी, आशीष चित्रांशी जी के पास मैं चल रहा हूँ। आशीष जी, इस पूरे घटनाक्रम को जिस प्रकार से पगड़ी उछालने का खेल हुआ है, ये आज लोगों को दिख रहा है, ये फुटेज आ गई है तो दिख रहा है कि पगड़ी उछाली जा रही है, लेकिन पगड़ी तो उस वक्त भी उछाली गई थी जब राजनाथ सिंह के बेटे के बारे में तमाम तरह के दुष्प्रचार मीडिया में प्लांट कराए गए थे, पगड़ी तो उस वक्त भी उछाली गई थी जिस दौर में वीरभद्र सिंह अपनी बेटी के कन्यादान के लिए बैठे हुए थे, उनके घर पूछताछ के लिए सीबीआई भेज दी गई थी। तो पगड़ी उछालने का खेल अब चुनावी साल में पानी सर से ऊपर जाता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? अभिषेक, मैं अगर महेंद्र सिंह से आप सवाल पूछ चुके होंगे तो मैं आगे फिर बढ़ूं, क्योंकि महेंद्र जी, महेंद्र जी के पास अभी आऊंगा, फिर पूछ चुका हूं, अच्छा, अब मैं फिर आ रहा हूं। चलिए ठीक है, तब मैं शुरू करता हूं। दरअसल मैं तो सबसे पहले आज बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर उमाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, शायद बहुत कम लोग इस बात को सार्वजनिक मंच से बोलते हैं राजनाथ सिंह को लेकर के, पहली बार मुझे कोई बोलते हुए नजर आया तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो क्षत्रिय उसे मानता जो किसी के भी संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बेटी की रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए, जो रक्षा के लिए खड़ा होता वो क्षत्रिय है। फिर टाइटल भी मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरा जो, तो अभी बात आई आत्मसम्मान की, इस मुल्क का आत्मसम्मान सबसे पहले तो उसे बचाना जरूरी है, और उसे बचाने के लिए जो भी आगे आएगा वो क्षत्रिय है। देश में समाजवाद की बात होती है, इस देश में युवा तुर्क चंद्रशेखर की चर्चा किया है डॉक्टर साहब ने, समाजवाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है, आज की भी तारीख पूरा जीवन समाजवादी रहा। आज कौन है क्षत्रिय, कौन है क्षत्रिय? राहुल गांधी की पदयात्रा से पहले अगर किसी राजनेता ने इस देश में पदयात्रा की थी, पूरे देश को नाप दिया था। आज कौन है चार कदम मोदी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ चल जाए, है किसी में मानता? तो बात यहां पर सिर्फ एक पगड़ी की नहीं है, राजनाथ सिंह की बात आई तो मैं बता दूं, कई बार चर्चाओं में एक आज की तारीख में मैं मानता हूं कि राजनीति में लोग मौसम वैज्ञानिक कभी कहते थे रामविलास पासवान को, कोई किसी को कहता, राजनीति में ऐसे मौसम वैज्ञानिक राजनाथ सिंह है जिनको कोई मौसम वैज्ञानिक नहीं कहता। उन्हें पता होता है कि बारिश आने वाली है, भीगने से बचने के लिए वो छतरी लेके पहले तैयार रहते हैं, और वो छतरी किसी को दिखती नहीं। और बहुत सही बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो सहारनपुर में एक बड़ी रैली हुई थी, शायद महेंद्र जी भी उसमें थे, वहां पर बात आई कि राजनाथ सिंह को मैनेज करने के लिए भेजा जा रहा है। मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूँ इस चर्चा में, जिस स्टेप तक आप लोगों ने चर्चा कर ली है। दरअसल क्या होता है कि एक समय के बाद जब आभास हो जाता है, मैं आपको बता दूं एक और जानकारी, मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब 20 अफसर आईबी के लगाए गए हैं जब से राजपूत, जिसे मैंने राजपूत विद्रोह का नाम दिया है, मोदी के खिलाफ राजपूत विद्रोह, इसके बाद मुझे जानकारी मिली है कि 20 के करीब आईबी अफसर लगाए गए हैं इसके पीछे की वजह तलाशने के लिए। मेरठ की रैली के बाद न्यूज लॉन्चर पर कार्यक्रम लगा हुआ है कि हाथ जोड़े खड़े रह गए योगी, मोदी ने मुंह घुमा करके भी नहीं देखा उस रैली में, मेरठ में। देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा पूरे समाज को जी। उसके बाद सहारनपुर जाते हैं, सहारनपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ बहुत दूर दूर पीछे पीछे खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब मोदी जी भाषण देते हैं तो दो शब्द की तारीफ कर देते हैं। आज वरुण गांधी के क्षेत्र में पीलीभीत में फिर एक आज रैली थी मोदी जी। पिछले कई रैलियों से योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं कि जो फ्रंट रो होता है उसके पीछे एक सेकंड रो होती है, थर्ड रो भी कई मंच पे लगती है, कुर्सी हटा करके बेचारे पीछे से जाते हैं, पूरे मंच में पीछे से जाकर के तब पोडियम पे आते हैं भाषण देने। आज योगी आदित्यनाथ पीछे जा रहे थे, जब पिछली की पीछे से जाऊंगा घूम के आऊंगा, तो आज मोदी ने हाथ पकड़ा और कहा नहीं मेरे सामने से ही चले जाओ। आज सुरेश राणा को पीलीभीत, जिसे सहारनपुर में शामली में थाना भवन विधानसभा है, थाना भवन विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, इस बार हार गए, सुरेश राणा मंत्री रहे पिछली सरकार। सहारनपुर में जब आप गए, सुरेश राणा के इलाके में थे, तब सुरेश राणा को बुला करके थोड़ा प्रेम सौहार्द दिखाते,
या अगर कुछ ऐसा था आपको कुछ बात ही करनी थी तो दिल्ली बुलाते, एक हुकुम पर दौड़े दौड़े पैदल चले आते सुरेश राणा। जब ये खबरें पिछले दो दिन से तूल पकड़ने लगी तो आज पीलीभीत में जहां से सुरेश राणा का लेख लेना नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, उस मंच पर बुलाया जब देश भर के कैमरे लाइव कर रहे थे, उस मंच पर बुला करके सुरेश राणा से कुछ कानाफूसी की, एकदम थोड़ी निकटता दिखाई। अब ये मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। इस मैनेजमेंट में क्या होता है कि कई बार मैनेजमेंट करने वाला नीचे तक इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचा पाता, और शायद नीचे तक इंस्ट्रक्शन नहीं गया इसीलिए गुजरात में राज शेखावत जी की पगड़ी उछल गई। और पगड़ी, वो सिंबॉलिक एक पगड़ी, तो उस सिंबॉलिक राज शेखावत पहने हुए थे। यहाँ पर महेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, पगड़ी नहीं पहने हैं। यहाँ डॉक्टर उमा शंकर सिंह जी बैठे हैं, पगड़ी नहीं पहने हैं। प्रबल भाई हैं, पगड़ी नहीं पहने हैं। लेकिन पगड़ी न पहनने पर भी पगड़ी उछाली जाती है। पगड़ी उछालने के लिए पगड़ी होना जरूरी नहीं है। और ये पगड़ियां 10 साल से उछाली जा रही हैं, 10 साल से उछाली जा रही हैं। ये समझ में अब आना शुरू हुआ है, हमें समझ में अब आना। के पास आ रहा हूं महेंद्र जी, ये पगड़ी उछालने का जो खेल हुआ है, भैरव सिंह शेखावत की पार्टी में राज शेखावत की पगड़ी उछाल दी गई, उनकी भैरव सिंह शेखावत की पार्टी की सरकार है। भैरव सिंह शेखावत को तो मुसलमान लोग आकर अपने हाथों से पगड़ी पहनाते थे, और उनकी पार्टी, उनकी विरासत पर दावा करने वाले लोगों की सरकार में डॉक्टर राज शेखावत की जो पगड़ी उछली है, आगामी चुनाव में चुनावी रूप से क्या जवाब इसका बैलेट के माध्यम से आप लोग देंगे, क्या कुछ और आप लोग सोच रहे हैं? क्या धरना प्रदर्शन तक ये सीमित रह जाएगा? हाँ अभिषेक जी, देखिए मैं कह रहा था ना, ये तात्कालिक मामला है, उसको लेकर दो तीन मुख्य कारण। जैसे राजनीतिक रूप से आप देखें तो पूरी तरह से साफ करने की जो कोशिश है, राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश है और जहाँ राजपूतों का 90% वोट है जो बीजेपी को जाता है, वहां सिर्फ 3 टिकट दी गई। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राजपूत स्टेट है, वहां 1 सीट दी गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, यहाँ पर 1 भी सीट नहीं देगी हमें, क्या वहां राजपूत नहीं रहता? और हर तरीके से, और यहाँ जब बात आई थी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को सीएम बनाने की, तो मैं विधानसभा अध्यक्ष बना के बिठा दिया गया। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से खींच के लाए और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पे सीमित कर दिया गया। आज राजस्थान में जो सरकार है भाजपा की, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी जाति के विधायक हैं तो राजपूत हैं। 16 विधायक राजपूत हैं भाजपा के जीते हुए, तभी वहां राजपूत को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार से जो ये देखते हैं कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है, तो वो बड़ा दर्द होता है लोगों को। और वेस्ट यूपी में जो आक्रोश दिखता है, ये मैं कुछ सहारनपुर की रैली में परसों वहीं था, वेस्ट यूपी में जो आक्रोश दिखता है वो कारण ही, वहां बताते हैं लोग के 23 सीटें हैं, वहां से कभी कभी 10 MP राजपूत हुआ करते थे, और आज आपने 1 भी सीट टिकट नहीं दी। ब्रजभूषण की टिकट आप काट देते हैं, धनंजय सिंह की टिकट आप काट देते हैं, ठीक बात है। और उसके बाद जो बड़ा मुद्दा, दूसरा मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर बहुत नाराजगी, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से जो पिछड़ों को ईडब्ल्यूएस दिया गया, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में सरलीकरण करा और गुजरात में भी सरलीकरण हुआ। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि जिसकी 8 लाख रुपए इनकम है वो इसके क्राइटेरिया में आएंगे, और जमीन की सारी शर्तें हटा दी, और ये ठीक बात थी। पर इन्होंने ऐसी शर्तें जमीन की लड़ा दी है कि राजस्थान का जो पश्चिम राजस्थान का व्यक्ति है, जो 10 बीघा जमीन तो ले दे के बैठा बंजर भूमि, उसका क्या कीजिएगा? पर वो व्यक्ति नहीं है। आज अगर राजस्थान में अगर 100% बनते हैं सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के स्टेट के, उसकी एवज में केंद्र में 30% बनते हैं मात्र। आप बताएं, जो राजस्थान में व्यक्ति गरीब है वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते अमीर हो जाता है, ये कैसा अन्याय है? और इसके लिए हम लगातार, हमने बीजेपी के पदाधिकारियों को, सांसदों को, और हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया, जो सामाजिक कल्याण मंत्री उनको भी अवगत कराया, धरने भी दिए हमने बीजेपी कार्यालयों पर कि आप इसका सरलीकरण करें, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जन्म शताब्दी कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, आपको अगर ध्यान में हो, श्री क्षत्रिय संघ का, हाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम, वहाँ हमारे जो प्रताप फाउंडेशन के संरक्षक है माननीय महावीर सिंह सरोड़ी साहब, उन्होंने भी अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत दो केंद्रीय मंत्री थे, उनके सामने ये बात कही कि क्या राजपूत भारत का नागरिक नहीं है? जब हम बात कर रहे हैं हमारे अधिकारों की, आप हमारी बात सुनते क्यों नहीं? या तो हमारा वोट नहीं लगता, या हम भारत के नागरिक नहीं है। और हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हमने सदियों से आपको इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है, हमारा 90% वोट बिना किसी मांग के आपको मिलता रहा है। हमने कभी ब्लैकमेलिंग नहीं करी, हमने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, हमारा हमेशा जो हाथ है वो फूल के निशान पर ही पड़ता रहा। पर उसके मतलब ये तो नहीं कि हम आपके कोई बंधुआ मजदूर हो गए, हमारे भी युवा हैं, उनका भी भविष्य है, उनकी हम बात करते हैं। और उसके बाद में उन्होंने सरलीकरण नहीं करा तो नहीं करा, आज तक नहीं करा। हमने क्लियर कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तब भी नहीं करा। इसका मतलब ये कि उन्हें हमारा वोट नहीं चाहिए, या उन्हें हमारा डर नहीं है।
और तीसरा जो मुद्दा है जिसको लेकर बहुत आक्रोश है वो इतिहास विकृतिकरण का, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पर हम लगातार देखते हैं राजपूत इतिहास को लेकर बहुत संवेदनशील है और लड़ा है इसलिए, हमारा कोई नहीं, हर जाति में महापुरुष होते हैं, हमें कोई मना ही नहीं है, पर हमारे महापुरुष को चुराया तो ना जाए, आप उनके वंशज भले हो जाए पर हमारे सबको चेंज कर दिया आपने, पृथ्वीराज चौहान को कर देते हैं, मीर भोज को आप चेंज कर देते हैं, इस प्रकार से ये बहुत नाराजगी है और नाराजगी हम बार बार समय समय पर प्रकट भी करते हैं, वहां तक हमारी बात नहीं सुन रहे। अब जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम वोट किस प्रकार से थे, युवा बहुत आंदोलित है, आज तक हमने कभी ब्लैकमेलिंग की भाषा में बात नहीं करी ना हमें करनी आती थी, पर इस बार ये मैं 18 का आपको उदाहरण दूंगा, राजपूत खाली बात नहीं करता, 2018 बहुत नाराजगी थी राजस्थान में, वसुंधरा जी से बहुत नाराजगी थी और कई और जसवंत सिंह का टिकट काटने से बहुत नाराजगी थी और हमने नारा लगाया था कमल का फूल हमारी भूल और 18 में हमने सरकार गिराई थी और 2023 में ठीक से चले, कुछ बात बनी, इन्होंने हमें जब 26 टिकट दिए तो हमने फिर इसको जिताया, हम साथ में खड़े तो जीते। तो अगर राजपूत के साथ होने से भाजपा अगर सत्ता में आती है तो अगर राजपूत साथ नहीं खड़ा रहेगा तो सत्ता जाएगी भी, इस बार चली जाएगी जरूरी नहीं है, पर टर्न अबाउट जो लिया है राजपूत ने सोचना शुरू किया है कि हम भाजपा के अलावा भी सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आंदोलित पूरा आप देखिए, गुजरात पूरा आंदोलित है, राजस्थान पूरा आंदोलित है, उत्तर प्रदेश पूरा आंदोलित है, गजब का माहौल है, नाराजगी है। ये बीजेपी को सोचना चाहिए कि जो आपकी स्वाभिभक्त जाती रही जिसने सदा आपको वोट दिया वो आपसे नाराज क्यों है, क्या काम करता है आपका थिंक टैंक, आप लोग क्या सोचते हैं बैठ के वहां दिल्ली में, इतना युवा उत्पीड़ित आपको नजर नहीं आता, आप अनदेखा कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। मैं बाड़मेर से हूँ और बाड़मेर में रविंद्र भाटी निर्दलीय खड़ा, यहाँ बीजेपी से चुनाव खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इनका चुनाव खड़ा नहीं हो रहा, कल सीएम साहब आ रखे थे, 12 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम आ गए, मोदी जी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है, क्यों इतना करते हैं आप, जब वो बंदा टिकट मांग रहा था दे देते, बाड़मेर में हमेशा आप राजपूत टिकट देते हैं, क्या जोर पड़ रहा था टिकट देने में आप, जब ऐसी कुछ जातियां जो आपको वोट नहीं देती, इस बार आपको वोट नहीं दिया उनको तो आप जी खोल के टिकट दे रहे हैं, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, कभी आप राजपूत को 7-7 टिकट देते थे राजस्थान में, अब आपको 3 टिकट देने में जोर आ रहा है, तो ये सब प्रश्न है और इसके बारे में हमारी नाराजगी, इस बारे में बीजेपी को सोचना चाहिए। अग्निवीर का भी एक मुद्दा है, खैर उस पर हम आएंगे, लेकिन अभिषेक एक सवाल मैं महेंद्र जी से लेना चाहता हूँ। महेंद्र जी, अब चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में कमिटमेंट वादे बहुत होते हैं, मैंने कुछ उदाहरण भी बताए कि जो है राजपूतों की नाराजगी के बाद ऐसे लोगों को बुला करके बातचीत शुरू कर दी गई है, फिर से वादा हो जाएगा कि आप लोग साथ रहो, फिर से कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में कि लॉलीपॉप, फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि सनातन खतरे में है, सनातन बचाना है। दरअसल इस देश में सबसे बड़ा एक नया आया है कि सनातन खतरे में है, जहां सनातन सनातन का अर्थ ही कोई नहीं जानता, सनातन कभी खतरे में हो ही नहीं सकता है, अगर जो खतरे में वो सनातन नहीं हो सकता, ये पता नहीं आज हम लोग नहीं समझ पाते, तो फिर से कहा जाएगा राजपूतों से सनातन खतरे में, तो फिर आप लोग मान जाओगे क्या, और फिर 5 साल ऐसे ही होगा फिर ना। आशीष जी, इसका कोई वो प्रश्न ही नहीं उठता है, और हम सनातन ना कोई खतरे में है, इनकी कुर्सियां खतरे में है, इनकी सत्ता खतरे में है, ये आज का युवा समझ चुका है कि आप कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई राष्ट्र खतरे में नहीं, कोई सनातन खतरे में नहीं, खतरे में तो इनकी सत्ता खतरे में, सत्ता में तो इनकी कुर्सी खतरे में। और इतने दिन मैं सही कह रहा हूँ, हम पॉलिटिकल रूप से बहुत ही अनपढ़ जाति है राजपूत, पॉलिटिकल रूप से हम मैच्योर नहीं, पर अब युवा मैच्योर हो रहा है, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब प्रश्न करता है युवा हमारे नेताओं से करता है, सबसे प्रश्न करता है कि भाई हमें क्या मिलेगा, हम आपको कुछ वोट दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रश्न करता है। अब ये झंडे नहीं उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा, जो आप हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे युवाओं के भविष्य की बात करेगा, हम उनको उनका साथ देंगे, किसी हमने पार्टी की पूंछ नहीं पकड़ रखी, और युवा इस बार बहुत आंदोलित है और किसी प्रकार का लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर नेता लॉलीपॉप लेते हैं तो नेताओं के कहने में युवा आता नहीं। जी प्रबल जी के पास मैं चल रहा हूँ, प्रबल जी सवाल क्षत्रिय समाज का नहीं है, सवाल किसी भी एक समाज का है जिस समाज को सौतेलेपन की सौतेले व्यवहार की बू आ रही है, और चूंकि बात क्षत्रिय समाज की हुई है तो एक बात दर्शकों को बतानी जरूरी हो जाती है कि जब फूलन देवी, जिनका विवाद ही क्षत्रियों के साथ था, फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण की शर्त रखी तो पहली शर्त यही थी कि अर्जुन सिंह आएंगे उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, ना तो किसी अधिकारी के सामने ना किसी दूसरे नेता के सामने। ये न्यायप्रियता का एक क्लासिक एग्जाम्पल था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को बुलाकर उनके सामने फूलन देवी ने भी आत्मसमर्पण किया। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सामने क्षत्रिय समाज क्यों आत्मसमर्पण कर चुका है, क्यों पकौड़ा तलने के लिए तैयार है नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, अब
मैं क्या कहूं, इस देश में दो जातियां हो गई, एक जाति हो गई है संघी, क्षत्रियों में भी दो जाति हो गई, एक संघी जात क्षत्रिय और एक हमारी तरह क्षत्रिय जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, उसी तरह संघी जात और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जात, उसी तरह हर जाति में अब संघियों ने पेंट्रेशन कर लिया है, पेंट्रेट कर लिया है, तो ये संघी क्षत्रिय बहुत सारे घूम रहे हैं और वही सब तलवे चाटने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनसे आप आशा मत रखना कुछ भी, और कई स्लीपर सेल्स उन्होंने बनाए हुए हैं तमाम संगठनों के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का काम करते हैं। इस देश के अंदर क्षत्रिय नौजवानों को रोजगार चाहिए, क्षत्रिय नौजवानों को सरकारी नौकरी चाहिए, जो नौकरी नहीं मिल रही, 30 लाख नौकरियां अभी भी केंद्र सरकार में बाकी है, नई वैकेंसी निकाली नरेंद्र मोदी, न्याय वो होगा कि 30 लाख नौकरियां मिली नौजवानों को, उसमें छत्री को भी पढ़ेंगे तो उनको भी मिलेगा। विश्वविद्यालयों में छत्री पढ़ा करते थे तो लीडर भी बनते थे, आईएएस भी बनते थे, आईपीएस भी बनते थे, इंजीनियर डॉक्टर्स भी बनते थे, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर जो है उनके हाथ में झंडा लगा दे दिया है और जाओ हंगामा करो, दंगे करो, ये क्षत्रियों का काम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के ये लठैत बन के घूम रहे। तो पहले तो ये जो सारे लोग हैं इन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब न्याय की लड़ाई थी, जब किसानों की जमीनों की लड़ाई थी, वो जमीन आपकी भी है, जमीन जाति मात्र अकेले किसी खेतिहर जाति की नहीं, आप भी खेतिहर जाति है, आपकी भी जाति है, लेकिन आप लोग तो उस समय जो संघी क्षत्रिय थे उस संघ के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर किसानों को अपनी ही जो पुरखे राजनीति जो खेती करने आए उस खेती को किसानों को गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने किया, ये लोग चुप रहे उस दौरान, हमारे जैसे लोग बोलते थे तो ये लोग उपहास उड़ाते थे, और आज देखिए पगड़ी पर आ गई ना, ये सोच रहे थे कि बस उन्हीं का उन्हीं के साथ होगा, हमारे साथ नहीं आएगा, नंबर सबका आएगा, हमें तो पहले से पता था, हम तो नरेंद्र मोदी को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक वोट दोगे तो आरएसएस वाले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे तुम हिंदू हो, जिस दिन प्रबल जी एक बात सीधे सीधे बताइए, हमारे पास समय की कमी है, हमारे दर्शकों को सीधे सीधे बताइए कि जिस दिन वीरभद्र सिंह अपनी बेटी के कन्यादान के लिए बैठे हुए थे उस दिन सीबीआई को क्या जरूरत थी वहां पूछताछ करने जाने की, क्या वीरभद्र सिंह कोई अपराधी थे देश छोड़कर भाग रहे थे, और जिस शंकर सिंह वाघेला की वजह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा क्या विवाद था शंकर सिंह वाघेला, अग्निवीर के लिए जो नौजवान तैयारी करते हैं राजपुताना रेजिमेंट बना हुआ है क्या दिक्कत है नरेंद्र मोदी को सेना में परमानेंट कमीशन देने से, उसमें बड़ी संख्या में हिमाचल उत्तराखंड राजस्थान और दूसरे हिस्सों के राजपूत समाज के लोग जाते हैं, आखिर क्षत्रिय समाज की पगड़ी जो उछली है वो आज तो सिर्फ प्रतीकात्मक पगड़ी दिख रही है, पगड़ी तो हर रोज उछाली जा रही है, लेकिन अकल के अंधे क्यों बने हुए हैं क्षत्रिय समाज के लोग, हमारे दर्शकों को साफ साफ बताइए। ये जो संघी क्षत्रिय बने हैं ना, घुसे हुए हैं समाज में, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और भी कुछ हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं, ये सब बस अपने राजनीति में अपने व्यवसाय के लिए काम करते हैं, इनको कोई समाज से लेना देना नहीं है। अरे क्षत्रिय तो विद्रोही होता है विद्रोही, बागी होता है बागी, बगावत कर जाता है, हिम्मत होती है, और मैंने बगावत की, मैंने बगावत की, मैं हूं असली क्षत्रिय, ये क्या है, ये तो सब घूम रहा है उसके पीछे पीछे, इनके रोजगार छीने जा रहे हैं सेना में, इनको पता नहीं किस सम्मान की बात करते हो, रोजगार जा रहा है सेना में, रोजगार मिलता था तुम्हारा, तुम्हारे रोजगार को छीन लिया नरेंद्र मोदी ने, एक झटके में छीन लिया अग्निवीर लाके, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन क्या बात कर रहे हैं, नसीब घूम रहे हो, कंगना रनौत को लोकसभा का टिकट दे दिया क्षत्रिय समाज से आने वाली कंगना रनौत को, क्या बात आप कह रहे हैं, कंगना रनौत का आइकॉन है क्या,
आइकॉन है क्या? आम क्षत्रियों का आइकॉन मैं हूं कि वो है जी? मैं हूं आइकॉन? ये सब थोड़ी है, ये सब व्यवसायी क्षत्री, ये कौन से आइकॉन है? अरे ये सब व्यवसायी है, ये सब लखैत है, नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वाले आइकॉन क्षत्री अर्जुन सिंह हो सकते हैं, आइकॉन चंद्रशेखर जी हो सकते हैं, आइकॉन बीपी सिंह हो सकते हैं, आइकॉन बुद्ध हो सकते हैं, आइकॉन महावीर जैन हो सकते हैं, ये कहां से हो जाएंगे जी ये तलवे चाटने वाले? अरे अभी भी इन सबको मांग करनी चाहिए कि राजनाथ सिंह इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, धामी इस्तीफा दो, लेकिन नहीं होगा इस्तीफा एक भी, देख लेना, एक के अंदर विद्रोह करने की औकात नहीं है। ये संघी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे किसान आंदोलन के दौरान दे देता राजनाथ, ये नहीं हिम्मत है जी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मैं इस पर उमा शंकर जी का लगता है नेट चला गया, मैं इस पर आ रहा हूँ आशीष जी के पास। आशीष जी, धीरू भाई अंबानी के यहाँ छापा पड़ने पर जब मंत्रालय बदल दिया गया, वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद वो फोर्स आया, खैर वो अलग कहानी है। इस देश में कहा जाता है कि स्वाभिमान के लिए क्षत्रिय जीते हैं, जब पगड़ी उछाली जा रही है तो राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं रमन सिंह? क्या कर रहे हैं राधा मोहन सिंह? क्या कर रहे हैं राजीव प्रताप रूड़ी? क्या कर रहे हैं कभी आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाले गृह सचिव आरके सिंह? और क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान से जसवंत सिंह के, जो चुनाव उनका टिकट काटने के बाद उनके घर परिवार के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में? उमा शंकर जी जुड़ गए हैं, मैं उमा शंकर जी से यही सवाल लूंगा। उमा शंकर जी सीधे सीधे बताइए, आप सवाल नहीं सुन पाए, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि जब देश में क्षत्रिय समाज को घेरा जाता है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर जब छापा पड़ा, मंत्रालय बदल दिया वीपी सिंह का, वीपी सिंह ने विद्रोह कर दिया और इस देश में एक नई चिंगारी सत्ता के खिलाफ, 400 सीटों वाली सत्ता के खिलाफ एक नई चिंगारी भड़काने का काम किया, राजनीतिक चिंगारी। और आज स्थिति यह है कि क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछाली जा रही है, पगड़ी उछालने के दौर में राजनाथ सिंह, राधा मोहन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, योगी आदित्यनाथ, राजीव प्रताप रूड़ी, आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाले आरके सिंह, जो गृह सचिव थे तो आतंकी संगठन कहा करते थे, कहां गए ये लोग? क्यों चुप हैं? क्या सत्ता ने इनको चुप करा दिया है या कुर्सी की मलाई ने क्षत्रिय समाज के हित की अनदेखी करने पर विवश किया है? कारण क्या है ये? अभिषेक भाई, इसमें से जो भी नाम ले रहे हैं क्षत्रिय गुण वाले कोई नहीं है, कोई नहीं है। चाहे आप आरके सिंह का नाम ले लें, जानता हूं उनको, ये जब गृह सचिव थे तो इन्होंने क्या क्या बयान दिया, और भगवा टेररिज्म का इन्होंने कॉइन किया था वो वर्ड, और वही फिर सर कहां पे ये लोग हैं, कहां जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी योगी आदित्यनाथ जी पे कि अगर भाई आप कहते रहे कि अगर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करेंगे आप? राजीव प्रताप रूडी जी को कहां आप क्षत्रिय कहते हैं सर? कहां क्षत्रिय कहते हैं? कैसे क्षत्रिय कहते हैं? केसी यादव जी, केसी त्यागी जी के साथ मिलकर वो जो राजनीति करते हैं सबों को पता है, सबों को कुर्सी चाहिए, सबों को सांसद बनने की आवश्यकता है, सभी चाहते हैं कि सांसद बने। एक वर्ग हो गया है उसमें कोई जाति नहीं है, ये वर्ग जो है शासक वर्ग है, ये चाहता है कि पैसे का एक्युमुलेशन हो, ये चाहता है कि इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इनके पास रहे, ये चाहता है इनके पास वेल्थ सबसे ज्यादा रहे, ये राज करना चाहते हैं बस, और कहीं कुछ नहीं है। योगी जी क्या कर रहे हैं? आश्चर्य है। मैं अभी शायद एक वक्ता कह रहे थे, शायद संभवतः चित्रांशी जी, इन सबों को इस्तीफा का, या शायद प्रवल प्रताप जी, इन सबों को इस्तीफा, सबों से इस्तीफा की मांग करनी चाहिए। आप जब हमारी रक्षा नहीं कर पाओगे तो आप अपनी रक्षा क्या करेंगे सर? आपको वो फोटो याद होगा, प्रधानमंत्री जी कुर्सी के दूसरे कोने पे थे, टेबल के, और ये दूसरे कोने पे थे, और कितनी बार, एक बार नहीं, अनेकों बार अपमानित किया है। शायद चित्रांशी जी और आप हमसे ज्यादा जानते हैं, इस पर एक बहस हो सकती है। और मैं अभी भी कहता हूं सर, इन लोगों को क्षत्रिय मत कहिए, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं, काम करेंगे, पैसा मिलेगा,
कुर्सी मिलेगी, सब होगा सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आशीष जी के पास चल रहा हूँ। आशीष जी सीधा सीधा बताइए कि राजरेखावत की एक बात मैं कहना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ छत्री में छत्री कुल के तो हैं ही, योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। वह गोरखनाथ महाराज जो सामाजिक न्याय के अग्रदूत थे, उन्होंने सामाजिक न्याय का ताना, करोड़ों लोगों की आस्था है गोरखनाथ मंदिर से, खासकर पूर्वांचल के 16 जिलों में अभी और वहां तक। और जब गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ अपनी एक चीज को भूल जाते हैं और मग्न हो जाते हैं, तो यही गोरखनाथ जाते हैं, कहते हैं जाग मच्छेंद्र गोरा खाया। तो मैं वैसे ही नरे योगी आदित्यनाथ को कहता हूं, जाग आदित्यनाथ प्रबल आया, अब भी जाग जाओ, अपना अपमान तो करा ही रहे हो छत्री कुल का, गुरु गोरक्षनाथ पीठ का भी अपमान कर रहे हो। नरेंद्र मोदी की हैसियत कुछ नहीं है गुरु गोरक्षनाथ पीठ के आगे जी। लेकिन तुमने आरएसएस के मोहन भागवत के आगे और योगी मोदी के आगे नतमस्तक होके तुमने उस करोड़ों लोगों की आस्थाओं को भी मिटिया मेट कर दिया। गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा, और आपको मालूम है वहां पर महंत और पुजारी जो होते हैं वो मात्र ब्राह्मण समाज के नहीं होते हैं, वहां पे सर्व जाति लोग होते हैं, पिछड़े अति पिछड़े भी होते हैं। मुस्लिम भी एक तारा लेकर गाना गाते थे, गोरखवाणी गाते थे, वो परंपरा थी। आज उस परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने कहा ला के पटक दिया, लाइन पे ला के पटक दिया जी। प्रबल जी मैं बात कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि करोड़ों लोगों की आशा थी जी। प्रबल जी कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ हम है, आशीष जी के पास मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ। आशीष चित्रांशी जी सीधे सीधे हमारे दर्शकों को बताइए कि आरएसएस की शाखा से निकले हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं या उनके नेतृत्व में जो बीजेपी है, इसका तो इतिहास रहा है छत्रियों को धोखा देने का। चाहे आप देखें भैरव सिंह शेखावत के साथ क्या किया गया, आप देख सकते हैं कि जसवंत सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने का काम किया गया। आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे किस तरह से उनके साथ तीसरे नंबर पर पार्टी आई, संघ ने सहयोग नहीं किया। आपने ये भी देखा कि किस तरह से केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, नरेंद्र सिंह तोमर को। और आपने ये भी देखा कि शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, वो भाजपा के साथ रहकर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया संघ ने, उन्हें बाहर जाना पड़ा। इस भारतीय जनता पार्टी में जहां स्पाइनलेस छत्रियों की, राजनाथ सिंह जैसे लोगों की, राधा मोहन जैसे लोगों की, जहां राजीव प्रताप रूड़ी जैसों की, इस तरह की एक तरह से सेफ गार्ड कर सकते हैं कि बनाने की प्रक्रिया है कि एक दिखाने का चेहरा कि बस मूर्ति लगा के रखो कि हमारे क्षत्रिय चेहरे है, क्षत्रिय समाज क्या अब पगड़ी उछालने के बाद एतबार करेगा? अभिषेक दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। पहली बात तो पगड़ी उछालने के जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, पगड़ी आज नहीं उछली है, ये पहले सोचना चाहिए था, बहुत पहले सोचना चाहिए था। थोड़ा हम इस फलक को, इस धरातल को बड़ा करते हैं। बहुत बड़ी बात कही प्रबल प्रताप जी ने जाते जाते, प्रबल भाई ने जो कहा ना, धार्मिक आंदोलनों पर अगर हम नजर डालेंगे तो गोरक्षनाथ यानी नाथ संप्रदाय, जो नाथ आंदोलन था इस देश में, धार्मिक हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसकी बात करते हैं, पहला सामाजिक न्याय के लिए लड़ा गया आंदोलन था जिससे नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ निकल करके आता है, पहला जिसने सामाजिक। और उस पीठ की अगुवाई महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ, क्षत्रियों के हाथ में। मैंने एक बहुत अच्छी चर्चा आपने की थी, मैं उसको आगे थोड़ा बढ़ा दूं। मैं बहुत बार पत्रकारिता के जीवन में सुबह 3 बजे 4 बजे बहुत निकला हूं। उस दिन महेंद्र सिंह जी, प्रबल भाई, इन सब लोगों को उस दिन भी उठ जाना चाहिए था, सबको, जिस दिन ये अग्निवीर स्कीम इस देश में लाया गया। ये राजपुताना जाट रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट जो जातियों के नाम पर रेजिमेंट बना, ये उनके शौर्य की निशानी थी, शौर्य की निशानी। मैंने देखा है सड़कों पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में, तो मैंने देखा है करीब उत्तर प्रदेश में 4 बजे आप निकल जाते,
सुबह 4 बजे 3:30 बजे बच्चे सड़क पर मैं गाड़ी से जाते हुए कई बार बड़ा चौंका कि थोड़ा सा भी अगर आदमी ध्यान न दे तो सड़क पर लेट करके पुशअप्स करते हैं बच्चे, दौड़ते हैं 8-8 किलोमीटर। उस दिन जब युवाओं की परवाह थी तो सिर्फ राज शेखावत की पगड़ी नहीं, वो हर बच्चा जो सड़क पर दौड़ रहा था 10 किलोमीटर उसकी पगड़ी उछाली थी जिस दिन अग्निवीर स्कीम लाया नरेंद्र मोदी ने। उस दिन उस बच्चे का भविष्य चूल्हे में झोंक दिया। ये कहने में कोई जरा भी मुझे ना घबराहट है ना वो कोई डर है, चूल्हे में झोंक दिया भविष्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार तक बच्चे दौड़ते हैं, और सबसे ज्यादा जब ये बातें आती हैं तो कुछ वर्ग हैं, कुछ जाति हैं जो सेना में पारंपरिक रूप से जाते रहे हैं, वो जाट हैं, वो राजपूत हैं, वो पूर्वांचल में मैं देखता हूं तो बलिया गाजीपुर से लेकर के भूमिहार हैं, तमाम है। छोटी जातियों में जिनको ओबीसी में हम लोग कहते हैं ओबीसी हैं, यहां तमाम ओबीसी में जातियां हैं। यादव देखिए आप बड़े पैमाने पर सेना में जाते हैं, सबके साथ किया ना इंसाफी। लेकिन क्या था, बहुत अच्छी शेरो शायरी से शुरुआत डॉक्टर साहब ने किया था, डॉक्टर उमाशंकर सिंह ने, वो सब तो इंतजार कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर क्रांति आई थी ना, तो मैंने जश्न मनाते देखा है लोगों को, कहे वाह बाबक बुलडोजर चल रहा है, फलाने चला है बुलडोजर। हमारे देश में क्या है, एक अलग अजीब सा समाज है और अजीब सी मनोवृत्ति है, हम अपने से ऊपर वाले की जब तबाही देखते हैं तो जश्न मनाते हैं, उस दिन उधार लेकर के पनीर और पूड़ी बना के खाते हैं, और जब अपने घर वही आता है तो मातम में डूब जाते हैं, फिर सर पीटते हैं। इस देश में मैंने दो एक एग्जांपल दूंगा, ये सबके लिए, सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, सबके लिए, इस देश के सर्व समाज के लिए। इस देश में नोटबंदी आई, नोटबंदी में गरीबों का 4,000 रुपया घर में था वो चला गया, लेकिन उसको मैंने करीब से देखा है खुशी मनाते, कहा अरे फलाने सेठ बहुत पैसा पितरा रहे थे, खत्म हो गया पैसा सभी का, बड़ा मजा आया, ताली बजाते देखा है भाई साहब, बड़ा मजा आया, सब चला गया उस गरीब का। अरे सेठ जी का तो इतना गया जितना बाहर दिख रहा था, उनके पास तो बहुत माल था, उसके बाद भी चार्टर्ड में घूम रहे हैं, अब तुम साइकिल में टायर बदलवाने लायक नहीं रह गए, ये सोचना चाहिए था। मैंने करीब से देखा जीएसटी की छापेमारी शुरू हुई यूपी में, एक छोटी सी दुकान थी चाय की, वहां गया तो पता चला कि नोएडा में एक साथ 140 या कितने जगह जीएसटी की छापेमारी हुई थी, इसमें संख्या नहीं आ। तो हमने कहा, उसने बताया कि हम कहे तब तो यार तुम लोग बड़े जो है कैसे धंधा पानी करो, ये मोदी जी क्या करवा रहे हैं योगी जी, ये लोग तो ऐसे जीने नहीं देंगे आम आदमी। कहा नहीं इस बार तो और वोट देना है दबा करके, हम कहे तुम्हारे नहीं छापा पड़ा, तो पान वालों क्या भी जीएसटी छापा पड़ा था, मैं आपको बताऊं नोएडा में, कहा पड़ा तो हमारे यहाँ भी, लेकिन 2,000 रुपये हमारा गया, लेकिन फलाने सेठ का 12 लाख रुपये पेनाल्टी लगा। अब वो 2,000 रुपया उसका अपने 2,000 जाने के बावजूद उस दिन 200 रुपया लेकर के जश्न मनाया। ये मनोवृत्ति हमारे समाज के लिए सबसे घातक है, इस देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान के। यही बुलडोजर में हुआ, वो बुलडोजर कानपुर की एक गरीब माँ बेटी का घर भी और जान भी ले लिया। वो बुलडोजर जब अमीरों पर शुरू हुआ था कि फलाने लठैत पे गया, बुलडोजर कभी विध्वंस का प्रतीक, कभी सृजन के राज्य में या राम राज्य में कभी विध्वंस का प्रतीक, राजकीय प्रतीक नहीं बन सकता। जिस दिन विध्वंस के प्रतीक को राजकीय प्रतीक बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, उस दिन हमें आवाज उठानी चाहिए थी। विध्वंस का प्रतीक कभी राजकीय प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि सृजन नहीं कर सकता, ठीक है, और एक दिन वो विध्वंस करेगा पूरे समाज का। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस प्रकार से डॉक्टर राज शेखावत की पगड़ी गुजरात पुलिस ने उछाली है, वो गुजरात पुलिस एक सेकंड मैं क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आशीष भाई, आपने हमारा नाम उसमें समेट दिया कि अग्निवीर योजना पर मैंने नहीं बोला, सबसे पहले जागने वाला इंसान मैं ही रहा हूँ, किसान आंदोलन हो तो मुझे इन संगीत सिंबॉलिक रूप से प्रबल भाई का मैं इस प्रोग्राम में सांकेतिक रूप से भी मैं इन संगियों के साथ नहीं हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मैं एक साफ कर दूं कि प्रबल प्रताप शाही ये भाजपा के बड़े समर्पित कार्यकर्ता थे, मैं ये बात साफ कर दूं प्रोग्राम में, बड़े समर्पित, और वो भी कहीं और से नहीं, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के इलाके में, लेकिन ये पहले बागी हैं, ये मुझे पहला बागी मिले कि जिन्होंने बगावत कर दी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के।
नीतीश कुमार की तरह झूठ मूठ का उधर चले गए थे। खैर, बात क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछलने का नहीं है, बात दरअसल समाज के किसी भी हिस्से की पगड़ी उछलने का है, किसी भी वर्ग की पगड़ी उछलने का है। और पगड़ी उछालने का काम डॉक्टर राज शेखावत जो करणी सेना के नेता है, उनकी पगड़ी उछाल करके, न सिर्फ उनकी पगड़ी उछाली है बल्कि वाकई जो बात वो कह रहे हैं, जो ट्वीट वो कर रहे हैं कि क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछाली गई है, वाकई नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम करने वाली, उनकी सरकार के अधीन काम करने वाली गुजरात पुलिस ने पगड़ी उछाली है। और ये पगड़ी उछालना आगामी लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में, गुजरात से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस पगड़ी उछालने की घटना पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। वैसे माफी वीरों की बात होती है सावरकर की, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चुनावी नुकसान होता देख घड़ियाली आंसू बहाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं माफी मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन उस माफी के झांसे में आना यदि क्षत्रिय समाज के लोगों ने स्वीकार किया, तो क्षत्रिय समाज के लोग अपनी अपनी शुचिता और अपने संसाधनों को के ऊपर अगले हमले के लिए क्या वाकई तैयारी कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी को वाकई अगर अगला 5 साल मिला उसमें तय होगा। बाकी क्षत्रिय समाज लोगों को सहनशीलता के साथ स्वीकार भी करता रहा है, माफी भी देता रहा है, लेकिन क्या पगड़ी उछालना माफी देने योग्य है, ये सवाल क्षत्रिय समाज के लोगों को मौजूदा दौर में किसी और से नहीं अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए उमाशंकर सिंह जी, प्रबल प्रताप शाही जी, आशीष चित्रांशी जी और महेंद्र सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।